सामाजिक समरसता के प्रांतीय संयोजक मुकेश चौधरी ने पेटलावत में आयोजित पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम में कहा कि बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, राम जी ने हर किरदार में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है और भारत भूमि पर वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। वह 500 साल के संघर्ष के बाद एवं लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद मुक्त होकर आज जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के रूप में विराजमान हो रहे हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। श्री चौधरी ने विस्तार से राम जन्मभूमि का पूरा 500 वर्ष का इतिहास बताया और कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन है, जिसे लेकर पूरे विश्व में इन दिन उत्साह का माहौल है। इसी तारतम्य में हमें भी हर घर उत्सव मनाना है। इसी क्रम में आज पेटलावत में भी पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 47 पूजित अक्षत कलश 41 मंडल व थानला पेटलावत की 3-3 बस्तियों में कलश अक्षत वितरित किए गए, जहां बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर संत कमल महाराज सनातन सेवा आश्रम रायपुरिया के महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद महाराज संगठन के विजेंद्र विभाग प्रचारक मुकेश जी चौधरी, प्रांत सामाजिक समरसता अभियान संयोजक एवं अन्य संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। और भगवान श्री राम गर्व और अभिमान और स्वाभिमान भरे पूर्ण रूप में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक वो अपने सिरों पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैरों में पदवेश जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। वो विगत 500 वर्षों से उनका जो पूरा कुल है वो आज भी नंगे पैर चलते हैं और सिर पर पगड़ी नहीं बांधते। भगवान श्री राम का जब ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा था तो इस प्रकरण की पैरवी करने वाले जो वकील थे पाराशरण जी, वो अदालत में नंगे पैर जाकर के पैरवी करते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये मेरे भगवान की जन्मभूमि का प्रकरण है और जब मैं यहाँ न्यायालय में आता हूँ तो पूरे समय उनका स्मरण करते हुए इस केस को लड़ता हूँ। तो आज जितना ये हर्ष का और गर्व का हम सबके लिए समय है, तो अभी ऐसे कई नौजवान यहाँ बैठे हैं, कई युवा यहाँ बैठे होंगे जिनका जन्म ही 6 दिसंबर 1992 के बाद हुआ होगा और उनमें से